हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रिंसी कटियार पर। तो लीजिए, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं लेकर आई हूँ मूंग दाल के उत्तपम, और इसमें ढेर सारी वेजीज के साथ, जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगी, और स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मूंग की दाल को 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो कर रखना है, और यहाँ पर आप छिलका वाली दाल लें या बिना छिलके वाली, ये आपकी चॉइस है, दोनों ही सही रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जार लिया है, उसमें मूंग की दाल को डाल देंगे। उसके बाद में ये 1 कप रवा है, यहाँ पर आप मोटा या पतला जो भी आपको सही लगे आप वो रवा यूज कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली ग्राइंड ही होना है। और इसमें पानी डाल देंगे, यहाँ पर पानी अभी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही ऐड करें। और एक ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दिया है, सभी को अच्छे से पीस लेना है। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, इसको मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। अभी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है, लेकिन अभी पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको दही ऐड करना है। दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टापन उसमें ना हो, वही दही यूज करें। अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पानी यूज करना है, क्योंकि इकट्ठा पानी यूज करने से ये हो सकता है कि ये बहुत पतला हो जाए। और इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको मिक्स करते टाइम एक ही डायरेक्शन में करें। और यहाँ पर अब कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा जीरा, और 1 छोटी चम्मच ही हल्दी पाउडर, 2 पिंच हींग, और ये नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काला और सफ़ेद नमक दोनों यूज किए हैं। और ये मीठा वाला सौंफ है यहाँ पर। उसके बाद में 1 छोटी चम्मच चाट मसाला यूज किया गया है, और थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसको स्किप ना करें। अब इसके बाद में सभी मसालों को बैटर के साथ में अच्छे से मिक्स करने के लिए स्पून से इसको एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, ताकि ये जो बैटर है वो और ज़्यादा फ्लफी हो जाए। इसलिए इसमें एक ही डायरेक्शन में इसको चलाने के लिए आपसे बोला जा रहा है। उसके बाद में ये देखिए, इस तरह का बैटर हो गया है। मसालों को मिलाने के बाद में इसको 10 मिनट तक रेस्ट दिया गया था। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ सब्जियां हैं, जैसे पत्ता गोभी को बारीक काट लिया है। उसके बाद में ये प्याज है छोटा छोटा कटा हुआ, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में 1 छोटे साइज का टमाटर और छोटी सी शिमला मिर्च और 2 गाजर को ग्रेट करके यूज किया गया है। उसके बाद में धनिया पत्ती आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और भी ऐड कर सकते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी सब्जियां आप ऐड करें वो जल्दी पकने वाली हों। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने गैस को ऑन कर लिया है, और यहाँ पर आपको नॉन स्टिक पैन का ही यूज करना है। तो इसमें पहली बार में आपको ऑयल यूज करना है, उसके बाद में आप ना भी यूज करें तभी ये अच्छा बन जाएगा। तो आपको जिस साइज का भी उत्तपम बनाना है आप उतना बैटर इसमें डाल दें, और उसके बाद में इस तरह से आपको इसको हल्के हाथों से फैला लेना है, और गैस की फ्लेम को आपको सिम पर रखना है, तेज गैस नहीं करनी है। उसके बाद में जो सब्जियां मिक्स करके रखी थी उनको आपको इस तरह से फैला लेना है। सब्जियों को अच्छे से यूज करें, ताकि ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बनकर तैयार हो। और ये देखिए, आप इस तरह से इसमें भरपूर सब्जियां यूज की गई हैं। इतनी सब्जियां एक साथ आप अपने बच्चे को सब्जी के तरह नहीं खिला सकते हैं। तो ये देखिए, आप इस तरह से सब्जियों को लगा दिया है। उसके बाद में सब्जियां
लगाने के बाद में आप इसको प्रेस ज़रूर कर दें ताकि सब्जियां अच्छे से अंदर बैठ जाएं, और उसके बाद आपको ढक देना है ताकि भाप में ये अच्छे से पके। और आप देख सकते हैं कि ये फूल भी गया है हल्का सा, और दोनों तरफ अच्छे से पकाने के लिए इसको पलट दिया है, और इस तरह से आप इसको प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को सिम पर ही रखना है क्योंकि बैक साइड में सब्जियाँ हैं वो जल सकती हैं। तो ये उत्तपम बनकर तैयार है। अगर आपको ज़्यादा क्रंची चाहिए तो आप इसको जिधर सब्जियाँ नहीं हैं उस साइड से इसको थोड़ा सा और पका लें तो ये बहुत ही क्रंची बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं उत्तपम को हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको मेयोनीज या टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, ये सभी के साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।